नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान होते ही एक बार फिर से मंदिर और मस्जिदों को खोलने की मांग तेज हो गई है। जी हां, ऐसे भी पहले से बिहार की जनता मंदिर को लेके काफ़ी भावुक थी और वो मंदिर को बार बार खोलने की गुहार लगा रही थी। इसी सिलसिले में बीजेपी के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ये सलाह दी है कि सीएम अनलॉक 4 के तहत दी गई छूटों में मंदिर को खोलने की एक बार फिर से सोच विचार करें। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद ने और क्या कुछ कहा है। बिहार में कल से अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनलॉक 4 में नीतीश सरकार की ओर से सूबे की जनता को कई छूट दी गई है, लेकिन बीजेपी सांसद इन छूटों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गाइडलाइन पर दोबारा विचार करने को कहा है। दरअसल बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार के मंदिरों में दर्शन और पूजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं इस संबंध में उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि विवेक ठाकुर ने पत्र में लिखा है कि हाल में कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जिलों का भ्रमण करने के दौरान एक मांग में लगातार और आशंका का भाव लोगों में देखने को मिला है। कोरोना के मामले में अब नियंत्रण की स्थिति आ चुकी है और टीकाकरण अब गांवों और टोलों में आरंभ हो चुका है, जिसे और गति देने की आवश्यकता है, लेकिन पूरा अभियान एक सही पटरी पर चल रहा है। उन्होंने कहा, श्रावण का महीना समीप है, इसके मद्देनजर आम जनमानस की इच्छा है कि मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन करने पर जो अभी प्रतिबंध लगा हुआ है उसको अब हटाया जाए, लेकिन हटाने के साथ साथ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए एक एक करके श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रतिमा कक्ष के अंदर प्रवेश कराया जाए, यह निर्देशित हो। बीजेपी सांसद ने कहा, प्रतिमा के समीप एक एक करके जल्दी से दर्शन और पूजन के बाद दर्शनार्थी को परिसर से बाहर निकाला जाए। मंदिर परिसर के प्रतिमा कक्ष के अंदर विस्तृत अनुष्ठानों पर प्रतिबंध जारी रहे, जिससे व्यापक एकत्रीकरण भी न हो। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ओंकारेश्वर मंदिर कुछ एक उदाहरण है जहां दर्शन और पूजन आरंभ हो चुका है। ऐसे में आग्रह है कि इस व्याप्त भावना में मद्देनजर इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। आपने सुना कि बीजेपी सांसद ने क्या कुछ सीएम नीतीश से गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या वो अनलॉक 4 पे पुनर्विचार करते हैं या फिर अगली अनलॉक 5 की जब घोषणा होगी उसमें इस मंदिरों को और बाकी संस्थानों को खोलने की बात की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, लाइव सीरीज को देखते रहें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हाँ, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।